हाथरस के रतिभानपुर में मंगलवार का दिन अमंगलकारी रहा। यहाँ प्रवचन करने वाले भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 100 लोगों की मौत हो गई है। एटा अस्पताल के पास चीख पुकार मची हुई है। इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी महिला शकुंतला ने बताया कि भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद लोग एक साथ बाहर की ओर निकले तो भगदड़ मच गई। पास में एक नाला था। भगदड़ के बाद लोग नाले में एक के ऊपर एक गिरते चले गए। जब लोग घंटे दो घंटे दबे रहेंगे तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा। प्रत्यक्षदर्शी शकुंतला ने बताया कि भगदड़ के दौरान पहले आगे वाले लोग नाले में गिरे और फिर उनके ऊपर पीछे वाले लोग गिरते चले गए। सत्संग को लेकर महिला ने बताया कि आज मंगलवार है और आज ही भोले बाबा के सत्संग में आए हैं। शकुंतला ने बताया कि उनकी पड़ोसन गंगा देवी भी हादसे का शिकार हो गई है। महिला ने बताया कि भगदड़ में वो भी दब गई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला, जिसके कारण वो जिंदा बच पाई। अम्मा क्या हुआ था? एक्चुअली सत्संग किसका हो रहा था? ये भोले 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 के ताई। हाँ। भोले बाबा को सत्संग है, वो सत्संग खत्म है वो। हाँ। अब एकदम हतकाए सत्संग खत्म है कि भागे। हाँ। तो एकदम घुड़दौड़ पड़ गई माँ नालो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मरे दब दब के नैया। घंटा दो घंटा दबे रहे तो और क्या होगा। तो क्या भगदड़ मची थी तो नाले में लोग गिर गए थे? हाँ, ऐसे आगे वाले गिरते गए, फिर पीछे वाले गिरते गए, ऊपर थे हतकाए। भगदड़ को लेकर आयोजन समिति से जुड़े महेश चंद्र ने हमारे संवाददाता को फोन पर हुई बातचीत में बताया है कि हमने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर कार्यक्रम करवाया था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब भगदड़ हुई। प्रशासन की कमजोरी से हादसा हुआ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कीचड़ में लोग एक के ऊपर एक गिरते रहे, कोई संभालने वाला नहीं था। मैं भंडारे का काम देख रहा था। यहाँ 13 साल बाद कार्यक्रम हुआ था, हमारे पास 3 घंटे की परमिशन थी। 1:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये भगदड़ मची। हाथरस से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।